मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन न्यूज़ रिपोर्टर मोनी दीपा। और अभी मैं हूँ गणपति पंडाल के सामने और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ लाइट वगैरह की जो स्टैचू है तो वो सारे हैं और ये रात में जलते हैं। और ये रहे गणपति पप्पा, बहुत ही क्यूट से गणपति हैं। तो मैं आई हूँ दर्शन करने और गणपति को आज 3 दिन हो चुके हैं तो गणपति दर्शन के लिए आई हूँ। मुझे लगा कि पत्नी है कि विसर्जन हो चुका है, बट है। तो हम लोगों को भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला और मैं बहुत खुश थी क्योंकि दिन का टाइम है और अभी भीड़ बिल्कुल नहीं था। गणपति जी के एकदम सामने से दर्शन हुए और बहुत लोग ऊपर जाके भी फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, बट मैं नहीं गई और हम लोग नीचे से ही दर्शन किए। बट बहुत खुशी हो रही थी कि इतने नज़दीक से फर्स्ट टाइम दर्शन किया। और यहाँ एक पंडाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाया है अक्षय धाम और वो भूज खलीफा बनाया गया था और ये अक्षय धाम है। और हम लोग पूछ रहे थे बाहर कि मूर्ति है अंदर की, विसर्जन हो गया और दिख नहीं रहा था कि एंट्री कहाँ से है, बट फिर मुझे नज़र आया कि एक तरफ पुरुष और एक तरफ महिला लिखा हुआ था। तो फिर मैं अंदर गई और दिन का टाइम है तो बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि बिल्कुल खाली पंडाल था और फर्स्ट टाइम ऐसा गणपति दर्शन हो रहा था कि एकदम खाली पंडाल में हम लोग गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी गणपति विराजमान हैं और बड़ा अच्छा लग रहा था कि खाली खाली है। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और इस तरह से है पंडाल, बिल्कुल खाली सा है, आप देख सकते हैं इस तरह से है डेकोरेशन। अभी लाइट वगैरह ऑन नहीं है क्योंकि दिन का टाइम है, रात में ज़्यादा मज़ा आता है देखने में, बट पॉसिबल नहीं था कि रात में मैं आप सबको दर्शन करवा पाऊँ। और किशन ने कहा कि जाके प्रसाद लेके आओ, तो मैं आरती के लिए पैसे निकाल रही हूँ और मैं गई हूँ प्रसाद लेने के लिए। और अजीब ही लग रहा था क्योंकि रात के टाइम लाइट वगैरह ऑन रहता है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा रहती है। हम लोग जब भी आए हैं दर्शन करने के लिए रात में आए हैं, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं दिन में दर्शन करने के लिए आई हूँ। तो अच्छा लग रहा था कि खाली खाली सा है, बड़ा अच्छे से नज़दीक से दर्शन हो गए। और प्रसाद लेकर मैं आ रही हूँ किशन के लिए भी। और ये रहा मेले का नज़ारा, अभी जितने भी मेले के शॉप हैं वो सारे बंद हैं ऑलमोस्ट क्योंकि दिन का टाइम है, अभी कोई आता नहीं है मेला। रात में सारी रौनक जो है वो रात में ही रहती है, लाइट वगैरह रहता है, सारे झूले वगैरह चलते हैं और सारा जो शॉप है वो सारा खुला रहता है, बट थोड़े थोड़े खुले हुए थे तो बस हम लोग एक राउंड मार रहे थे कि क्या कुछ नया आया है क्या। और फिर हम लोगों ने पिया जूस क्योंकि काफ़ी गर्मी थी और जूस पी के एकदम रिफ्रेशिंग लगता है। और फिर मुझे आइसक्रीम खाना था तो मैं गई थी आइसक्रीम लाने के लिए और आइसक्रीम मैंने 2 फ्लेवर में लाया था, ब्लैक करंट और टूटी फूटी। और मैं किशन से पूछ रही थी कि कौन सा चाहिए, कौन सा खाना है। और घर रिटर्न आने के रास्ते में हम लोगों ने लंच भी कर लिया था और अभी शाम हो रही है और मैंने कुछ सामान लाया था तो वो मैं जस्ट रोस्ट कर रही हूँ हल्का सा गर्म कढ़ाई में क्योंकि अभी बारिश हो रही है लगातार और कीड़े पड़ जाते हैं अगर आप इस तरह से रोस्ट करके नहीं रखेंगे तो। दाल वगैरह जो है वो आपको मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं इस तरह से ड्राई रोस्ट करके रखती हूँ, जस्ट गर्म होना चाहिए सामान तो उस पर कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो इस तरह से मेरी आदत है कि जब भी मैं सामान लाती हूँ बारिशों में तो इस तरह से दालों को हल्का सा रोस्ट करके तभी ठंडा करके डब्बों में रखती हूँ। हेलो गाइस, और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और आज है नेक्स्ट डे, कल मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था और बारिश हो रही थी, अभी थोड़ा सा मौसम खुला है तो अच्छा लग रहा है। तो मैंने कपड़े धोए थे बहुत सारे तो वो मैं बालकनी में डाल रही हूँ क्योंकि हवा चल रही है तो सारे कपड़े यहाँ पे सूख जाते हैं अच्छे से। तो फिलहाल अभी बारिश नहीं है तो अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, अदरवाइज़ मैं घर पर ही डाल के फ़ैन चला देती हूँ तो सूख जाते हैं कपड़े। तो सारे कपड़ों को मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और साथ साथ मैंने लंच की भी तैयारी कर ली है, अभी लंच बनाऊँगी। और ये मेरी ब्लीडिंग हार्ट का पौधा, जब भी मैं इसको देखती हूँ मुझे अपनी फ्रेंड वंदना की बहुत याद आती है क्योंकि वंदना ने मुझे ये पौधा दिया था। और अभी बारिश में ये ब्लीडिंग हार्ट इतना अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है कि देख के दिल खुश हो जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस तरह से गुच्छे गुच्छे में हर डाल पे है, बाहर साइड कर दिया है मैंने ताकि अच्छे से धूप और पानी मिले, तो अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है।
और ये अपराजिता की बेल अच्छी खासी हरी भरी हो गई है, बट अभी तक इसमें फ्लावर स्टार्ट नहीं हुआ है फ्लावरिंग करना, लेकिन जो बेल है वो बहुत अच्छे से फैल रही है। और ये मनी प्लांट की एक बेल है जो बहुत बड़ी सी हो गई है, और मैं इसको इस तरह से बालकनी में फंसा देती हूँ ताकि ग्रीनरी बनी रहे मेरी बालकनी में, और अच्छा लगता है, पूरी ग्रीनरी लग रही है। अभी बारिश के टाइम बहुत अच्छे हैं मेरे पौधे। और अब मैं आ गई हूँ किचन और मैं बना रही हूँ मसाला पुलाव। यूपी बिहार में इसे तहरी भी बोलते हैं। तो मैंने मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ, तो मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसमें डाली है सूखी मिर्च फ़ौरन के लिए, और मैं इसमें डाल रही हूँ एक तेज़पत्ता तोड़ के, और बस इसे थोड़ा सा चटकने देंगे। और उसमें मैं डालूँगी पंचफोरन। पंचफोरन साबुत पांच मसालों का मिश्रण होता है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। तो ये रहे पंचफोरन, और मैं थोड़ा सा डालूँगी और बस इसे थोड़ा सा गर्म होने दूँगी, मतलब चटकने दूँगी। और सारे मसाले चटक चुके हैं। अब मैं इसमें ढेर सारे वेजिटेबल काट के डाल रही हूँ। मैंने क्या क्या काटा है मैं दिखाती हूँ। मैंने काटा है बीन्स, आलू, प्याज, गाजर, मेरे पास इतनी ग्रीन वेजिटेबल थे तो मैंने इतने सारे काटे। आप इसमें कैप्सिकम, ब्रोकली वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेजिटेबल डाले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सारे वेजिटेबल को, और बहुत देर नहीं भूनूंगी, थोड़ा सा ही सॉटे करूँगी, क्योंकि बस 5 मिनट के लगभग, ताकि सब्जियाँ जो हैं वो सारे सॉफ्ट हो जाएं, तो फिर हो जाएगा। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच, और उसको डाल के अच्छे से थोड़ा सा भूनूंगी। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, और किशन रोटी खाएँगे तो ये किशन के लिए बना रही हूँ। और थोड़ी देर भूनना हो चुका है, मेरी सब्जियां जो हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं, और ज़्यादा नहीं भूनूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ मसाले, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट लगभग आधा चम्मच डाल दिया है, और अब मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगी ताकि थोड़ी से जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो थोड़ा सा भून जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा लगभग भून चुका है, थोड़ा सा मैंने चला लिया था। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले, हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डालूंगी इसमें, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, मैं ये यूज़ करती हूँ, तो ये मैं थोड़ा सा डालूंगी। आप ज़्यादा तीखा खाना चाहें तो ज़्यादा तीखा डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि बहुत सारे वेजिटेबल है इसमें, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। और बस सारे मसालों को थोड़ा सा सब्जियों के साथ भून लूँगी लगभग 1-1.5 मिनट, बस सब्जियों के साथ ये मसाले जो है वो अच्छे से मिल जाएं। और मैंने एक मीडियम कटोरी चावल धो के रखा था पहले से, तो इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और मसाले और चावल और सब्जियाँ सारे को थोड़ा सा भूनूँगी लगभग 1.5 मिनट, ताकि जो सारे जो हैं वो मिक्स हो जाए अच्छे से। और अच्छे से मिक्स हो गए हैं सारे ही, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ डबल पानी, यानी कि एक कटोरा चावल लिया था तो 2 कटोरा पानी डाल रही हूँ, जिस तरह से पुलाव में डाला जाता है। और अब मैं इसमें एवरेस्ट का गरम मसाला पाउडर जो है उसको यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा निकाल लिया है, और इसमें ऐड करूँगी पानी, थोड़ा सा ही डालूँगी क्योंकि पानी मैं डाल चुकी हूँ अपने पुलाव में, बस थोड़ा सा पानी आप देख सकते हैं मैंने डाला है। और बस इसको मिक्स करके और इसमें ऐड कर दूंगी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और बस थोड़ा सा चला के कुकर बंद कर दूंगी, और 2 सीटी मारने के बाद गैस सिम करके 10 मिनट के बाद ऑफ कर दूंगी, हवा निकलने तक छोड़ दूंगी, फिर खोलूंगी मैं इसको। और अब मैं कर रही हूँ रायते की तैयारी, बनाऊंगी रायता।
और यहाँ पे मैंने ले लिया दही, और दही में सारे जो वेजिटेबल हैं उसको मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने दही में थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा दही था। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ मसाले जैसे नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। मैं काली मिर्च डालती हूँ रायते में और थोड़ा सा काला नमक भी डालती हूँ। आप लोग रायता कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने ये तीन चीज़ डाला और बस इसे मिक्स कर दूँगी और मेरा ये टेस्टी सा रायता तैयार हो गया है। बहुत लोग इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर भी डालते हैं बट मुझे जीरा का टेस्ट उतना पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और आप देख सकते हैं ये मेरा मसाला पुलाव बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल दूंगी ऊपर से जिससे कि बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और खाने में ये और टेस्टी हो जाएगा। और बस इसे चला दूंगी। और मैं यहाँ पे किशन के लिए थाली सजा रही हूँ। किशन रोटी और एक कटोरी चावल खाएंगे। और मैंने बनाई थी लौकी की सब्जी, मैंने जैसे कि आप लोगों को दिखाया था, तो लौकी की सब्जी यहाँ पे परोस रही हूँ। और मैंने बनाया था खेक्सा भाजा यानी कि कंडोला की भुजिया। तो ये सब्जी जो है ये बहुत हेल्दी होता है तो ये भी मैं अभी बना रही हूँ कि अभी बारिश के टाइम ये मिल रहे हैं। और हमारे झारखंड में करील, बांस करील जिसको बोलते हैं, वो बड़ा फेमस है। तो अभी बारिश में ये भी बड़ा चटपटा लगता है खाने में। तो ये मैं अभी नहीं बनाई हूँ ये, और ये बना के फ्रिज में रख देती हूँ तो वो बहुत अच्छे से रहता है। और इसमें रखा है रायता और ये है किशन की लंच की थाली। और यहाँ पे मैं अपने लिए अपना लंच निकाल रही हूँ। मैं रोटी नहीं खाऊंगी, सिर्फ चावल खाऊंगी, चावल और रायता। तो ये मुझे बड़ा पसंद है, मसाला पुलाव और रायता बहुत टेस्टी लगता है। कभी आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा मेरी ये रेसिपी, बहुत ईजी है और बहुत फटाफट बन जाती है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ। बाय।